શિયાળાની શરૂઆત થઈ રહી છે. શિયાળામાં લોકો ગરમ કપડાં પહેરી નીકળતા દેખાય છે, તો સુરતીઓ માટે દર વર્ષે તિબેટીયનો ગરમ કપડાં વેચવા સુરત આવી છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ તિબેટીયનો સુરતમાં ગરમ કપડાં વેચવા આવી ગયા છે અને અડાજણ ખાતે મકાઈ પુલના નાકે સુરત મહાનગરપાલિકાના ખુલ્લા પ્લોટ પર આ ગરમ કપડાંનું માર્કેટ શરૂ થયું છે. સવારના 9 થી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી આ માર્કેટ ચાલુ રહે છે. તો સુરતમાં શરૂ થયેલા તિબેટીયન માર્કેટની જી ટર્ન ફોર ન્યૂઝ સ્ટેટમેન્ટ ટીમે મુલાકાત લેતા ગ્રાહકો અને સ્ટોલ ધારકો શું કહે છે તેની પર આપણે નજર કરીએ. હાલ મંદ મંદ ઠંડીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે ત્યારે સુરત શહેરના મકાઈ પુલના છેડે જય અંબે સોસાયટીની બાજુના સુરત મહાનગરપાલિકાના ખુલ્લા પ્લોટમાં તિબેટીયન રેફ્યુજી સ્વેટર માર્કેટની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, જેની મુલાકાત જી ટર્ન ફોર ન્યૂઝ ચેનલની ટીમે લીધી હતી, જેમાં નાનેરાથી માંડીને મોટેરા સુધીના સૌ કોઈ લોકો ગરમ કપડાં ખરીદવા આવી પહોંચ્યા હતા. ગરમ કપડાંમાં એક એકથી ચઢ્યા હતા આપણે જાકેટની તો શું વાત જ કરવી, ચારો તરફ રંગબેરંગી જાકેટો અહીંયા જોવા મળ્યા હતા. એક એકથી ચઢ્યા હતા જેન્ટ્સ ગરમ સ્વેટરો, લેડીઝ સ્વેટર, ગરમ કાશ્મીરી શાલ, નાના બાળકોના સ્વેટર, કાન પરના ડિઝાઇન પટ્ટીવાળા ટોપી તેમજ પટ્ટીઓ, ગરમ શૂઝ અને ચપ્પલો સહિતના ગરમ પોશાકો લેવા માટે સુરતીજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હવે સુરત શહેર સહિત દક્ષિણ ગુજરાતમાં ઠંડીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. અત્યારે આપણે સુરત શહેરના નાનપુરાના ખાસ કરીને બ્રિજના નાકે આવેલા જય અંબે સોસાયટીની બાજુમાં તિબેટીયન રેફ્યુજી સ્વેટર માર્કેટની અંદર છીએ. આ માર્કેટની અંદર શું શું છે, શું વેચવામાં આવી રહ્યા છે, નાના બાળકોથી મોટેરા સુધીના ગરમ કપડાંનું છે, આપણે એવું જોઈએ અને લોકો શું કહેવા માગે છે સુરતીજનો તેની આપણે મુલાકાત લઈએ. મારું નામ થુપતેન ગેલેક છે. અચ્છા, आप ये तिबेटन बाजार के प्रेसिडेंट? हाँ जी, मैं प्रेसिडेंट हूँ तिबेटन बाजार का. अच्छा, कितने दिनों के लिए यहाँ ये लगा है? ये अभी मार्केट चलेगा जी, हो 4 मंथ्स के लिए चलेगा जी. अच्छा, आप जो गर्म कपड़े का बाजार, इसमें क्या क्या मिलता है? हाँ, हमारे पास सब वैरायटी मिलेगी, जैसे कि हम जैकेट से लेके लेडीज स्वेटर, किड्स के लिए स्वेटर वगैरह सब कुछ, जैकेट्स किड्स के भी जैकेट्स और कंबल वगैरह जो भी है आइटम बहुत सारे मिलेगा जी. सब गर्म कपड़ा? सब गर्म कपड़ा मिलेगा जी. हाँ जी. आप वहाँ से बना के लेके आते हो? वो हमारे कलेक्शन होते हैं सर. अच्छा, हाँ जी.
कैसा है अभी सूरत, सूरत के लिए क्या कहेंगे? सूरत वाले के सबको धन्यवाद कहता हूँ कि हर साल यहाँ से खरीदारी करते रहते हैं। हमारे मार्केट पहले तो हमारे गांधी बाग में लगाता था, इस टाइम पे हमारे यहाँ मकै पुल पार में लगा हुआ है और अपोजिट जो अंगूर सोसाइटी है जी। धीरज शर्मा, कहाँ रहते हो? मैं सूरत में रहता हूँ, काफ़ी वर्षों से डिंडोली क्षेत्र में रहता हूँ। डिंडोली से यहाँ जो ब्रिज के नाके पे ये जो टिबेटियन बाजार हुआ है जी, क्या कहना चाहेंगे? बाजार बहुत ही अच्छा है, वर्षों से मैं शॉपिंग करने आता हूँ यहाँ पे। जब भी ठंडी का मौसम आता है, अलग अलग वैरायटी जो लेटेस्ट वैरायटी चलती है यहाँ पे मिल जाती है, जो कि अपने सूरत में कम ठंडक की वजह से नहीं मिल पाती, बट इस बाज़ार में काफ़ी अच्छा रहता है। तो विगत वर्षों से मैं काफ़ी वर्षों से आता हूँ और नए नए वैरायटी यहाँ से लेके जाता हूँ। हमने गाँव जाने का प्लान है तो बच्चों के लिए फैंसी ड्रेसेस लिए आज, छोटे छोटे गर्म कपड़े जो कि, और मैं चाहूँगा सभी सूरतवासियों आएँ और ये लोग तिब्बत से आते हैं, काफ़ी फैंसी चीज़ें लेकर आते हैं, सभी लोग को लेना चाहिए। सूरत में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ठंडी के मौसम के सभी वस्तुएं रिजनेबल रेट पे मिल जाएंगी। जी आपका नाम? ध्रुवा शर्मा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? अभी गर्म कपड़ा लिया है, कैसा लगा तेरे को? लगा अभी अच्छा? बहुत अच्छा लगा। लाडू लिया हमने। बताओ जी, आप बिंदी क्या कहना चाहेंगे? अभी बच्चों के लिए आपने स्वेटर? हाँ, मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी वैरायटीज मिली हैं। हाँ। और जरूर सबको एक बार तो विजिट करना ही चाहिए, सबको यहाँ पे विजिट करना ही चाहिए। और कीमत भी? हाँ, रिजनेबल रेट में है, ये नहीं बहुत हाई फाई है, रिजनेबल रेट है। हेलो, का नाम? मयूरी। मयूरी कहाँ रहते हो? भटार। अच्छा, भटार से यहाँ टिबेटियन बाजार में आप आए लेने के लिए, कैसा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत सारी वैरायटीज है। भाव भी रिजनेबल है? हाँ, भाव है, रिजनेबल है। ये जो आपको ये अभी पहना है उसको क्या कहते हैं? जैकेट? इसको जैकेट ही कहते हैं, पैराशूट जैकेट। अच्छा, ये आपने पसंद किया है? हाँ। और बाकी के अपने दोस्तों के लिए क्या कहेंगे बाजार में आने के लिए? कुछ नहीं, ये लोग उतनी देर यहाँ उन तिबेट से आते हैं तो हमें भी आके उनका मतलब बिजनेस बढ़ाना चाहिए। शैलेश भाई है। अच्छा, मेरा नाम। कहाँ रहते हो आप? मैं जहांगीरपुरा से आता हूँ। अच्छा। और ये तिबेटियन बाजार है, गर्म कपड़े बाजार में आप आए हो, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अभी ठंड ज़्यादा बढ़ने वाली है, तभी हम ये स्वेटर खरीदने आए हैं, बहुत बच्चे के लिए खरीदने आए हैं, बहुत अच्छा है। और अपने लिए क्या प्लानिंग किया आपने? हमारे लिए देखते हैं आगे आगे। अच्छा, मेरा नाम तेंजिन नोरजम। अच्छा, सूरत में तिबेटियन बाजार है ये, मकई पुल के नाते, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, हमारा दुकान मकई पुल के पार ही है, जो मंदिर के सामने। हमारा दुकान लगा के करीब 40 साल जैसा हो गया है ना, इधर मकई पुल के पार आगे हमारा दूसरी साल है। कई साल भी हम इधर था ना, फिर पहले हम चौक बाज़ार में था, गांधी बाग में, फिर वहाँ मेट्रो काम चालू हो गया, फिर हम इधर परमिशन इधर मिल गया, इधर हम दूसरी साल है। इतने दूर से आप सूरत में आते हैं, सूरती लोगों के लिए क्या कहेंगे? अब सब लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे हो, वैसे सूरत लोगों तो बहुत अच्छे हैं, गुजरात लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं। हम इतना मेहनत करके इधर आते हो, जो हम कपड़ा लेके बेचने के लिए लेके आते हैं वो सब हम ख़त्म करके वापस चले जाता हूँ, है ना। और लोगों के लिए, अपने ग्राहक के लिए क्या कहेंगे, कस्टमर के लिए? हमारा कस्टमर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुजरात में तो कस्टमर सब बहुत अच्छे ही बात करते हैं। अच्छा है? हाँ जी, कलेक्शन भी अच्छा है हमारा, इधर सब कुछ मिलेगा, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पूरा सब कुछ, मोजे से लेकर टोपी तक, जो भी सर्दी में पहनने के लिए पूरा मिलेगा इधर। वैसे सूरत में ठंड तो पड़ते नहीं है ज़्यादा, लेकिन सूरत में पहनने के लिए ना कपड़ा थीन में मिलेगा, इसे रेगुलर पहनने में मिलेगा, कुछ भी सब कुछ जो चाहिए सब कुछ मिलेगा इधर हमारा, इधर मार्केट में। थैंक यू, वेलकम। जी आपनो नाम? शिवानी माहौर। शिवानी, અત્યારે તમે અહીં તિબેટિયન બજારમાં આવ્યો છો, શું લેવાનો વિચાર કર્યો છે? સ્વેટર લેવાનો વિચાર છે, અજે તોણે તોનો વિચાર છે, મને ખાલી એક જેકેટ લીધું છે, હવે આગળ સ્વેટર લેવાનો છે બીજો। હા, આપનો નામ? ઉન્નતિ। કેટલો અભ્યાસ કરો છો? 12 સાયન્સ કરું છું, અત્યારે જોબ કરું છું। આપે આ તિબેટિયન બજારમાં બેગ લીધી છે અંદર? હા। શું લીધું તમે? જેકેટ લીધું છે। જેકેટ? બહુ ઠંડી પડવાની છે? હા જી। આપ શું કહેવા માંગો છો? અહીંયા સારા જેકેટ મળે છે, મતલબ અહીંયા લોકોનું ભરાય છે બજારમાં, તો અહીંયા મતલબ આવીને એક્સપિરિયન્સ કરવો એ ગુડ રહેશે।
મિત્રો આપણે જોયું જશે ગરમ કપડાં બજારની અંદર નાના બાળકોના મોજાથી લઈ ટોપીથી લઈ મોટેરા સુધીના જાકેટ તેમજ લેડીઝ લોકોની કાશ્મીરી શાલ ગરમ શાલ અને એના સ્વેટરો પણ મળે છે. તો તમારે બીજે ક્યાંય પણ જતાં પહેલાં એકવાર આ તિબેટિયન રેફ્યુજી સ્વેટર માર્કેટની મુલાકાત લેવી રહી. આ અત્યારે મારા હાથની અંદર જાકેટ છે, આ જાકેટ કેવું લાગે છે આપણે પણ સરખાડી જોઈએ. મિત્રો બરોબર મને જાકેટ આવી ગયું અને મેં એમને પૂછ્યો તો એમનો ભાવ માત્ર 2000 છે. જે આમ તમે સુરત શહેરના બજારની અંદર લેવા જશો તો લગભગ 3000 કે 3500 છે. અહીંયા ફક્ત 2000ની અંદર તમને ઠંડી નહીં લાગે. સુરત શહેર સાહેબ દક્ષિણ ગુજરાત કે પછી કાશ્મીરમાં જશો તો પણ ઠંડી નહીં લાગે. માટે તમારે તિબેટિયન રેફ્યુજી બજારની મુલાકાત એક લેવી રહી. ચિટન પર ચેનલ માટે હું પ્રકાશવાળા કેમેરામેન વિજય મકવાણા સાથે સુરત.